অপেক্ষা করুন প্রধানমন্ত্রীজির অ্যাড্রেসের জন্য। नमस्कार। मेरे प्रिय बंगाल के भाइयों और बहनों, देश में भारत माता की कोरोना की जो स्थिति है, भारत माता की एखुनी आमादेर सामने सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी वक्तव्य राखछेन चलेछेन। आमादेर जारा वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतृत्व तारा मंच थेके प्रसारित होयेछेन, तारा नीचे बसे आछेन। आपनादेर काछे अनुरोध, मुख थेके केउ मास्क खुलबेन ना। सबाई जे सैनिटाइजार हाते पेयेछेन सेई सैनिटाइजारेर व्यवहार करुन। जलेर जोन्नो कारुर ओठार दरकार नहीं, व्यवहार करे फेले देवार मतन पाउच पैकेट जल आपनादेर काछे पौंछे जाबे। आमादेर भलेंटियाररा आछेन, आपनारा बसुन, निर्दिष्ट दूरत्व मेने बसबेन, चेयार आगे पेछने करार कोनो प्रयोजन नहीं, दूरत्व केउ कमाबेन ना। भारत माता की नमस्कार। संजय दाल लिंक है विषय। मेरे प्रिय बंगाल के भाइयों और बहनों, देश में भारत माता की है, भारत माता की वंदे। देश में जय जय श्री राम। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागतम। देश में कोरोना की जो स्थिति है, यशस्वी प्रधान उस वजह से सवार प्रियो मैं आज सुबह से ही दास मोदी अनेक महत्वपूर्ण बैठकों में व्यस्त रहा। मेरे प्रिय बंगाल के, अभी मैं आपके साथ देश टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहा हूं, आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। प्रत्यक्ष आकर आपका आशीर्वाद नहीं ले सका, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। विशेष तौर पर आज मैं मालदा, मुर्शिदाबाद, सूरी और साउथ कोलकाता के मतदाताओं, वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी क्षमा चाहता हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए सभा की बड़ी जोर शोर से तैयारी की थी, लेकिन परिस्थितिवश मेरा बंगाल आना आज संभव नहीं है। बंगाल को याद करके मैं बंगाल से बाहर भी रहता हूं, तो रवि ठाकुर की ये पंक्ति हमेशा याद आती है। रवि ठाकुर ने कहा था, ओ आमार देशेर माटी, ओ आमार देशेर माटी, तोमार पोरे ठेकाए माथा। ओ मेरे देश की माटी, तुझ पर मैं शीश झुकाता हूं। साथियों, परेड ग्राउंड से मैंने आपके बीच आकर पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए अशोल परिवर्तन का आग्रह किया था। इसके बाद आपने जो मुझे और बीजेपी के हर साथी को
जिस प्रकार से प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, भारी मतदान करके समर्थन किया, उसको मैं व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं। आज जब आसमें जुड़ा हूं तो इस नेह का, इस समर्थन का आभार व्यक्त करने के लिए भी आया। पश्चिम बंगाल के कोने कोने में जाकर मैंने अनुभव किया है कि पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए एक सकारात्मक बदलाव की इच्छा कितनी प्रबल है। हर उम्र, हर वर्ग, हर मत, हर संप्रदाय के लोगों में, पुरुष हो या स्त्री हो, शहर हो या गांव हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबके सब में सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए एक संकल्प दिख रहा है। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल के ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं है, बल्कि इन चुनावों में मैं एक आकांक्षी, एस्पिरेशन, एक आशावादी पश्चिम बंगाल को उभरते देख रहा हूं। गांव हो या शहर, हर जगह बेहतर जीवन, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर विकल्प के लिए एक तड़प देख रहा हूं। शांति, सुरक्षा और विकास की एक ललक बंगाल में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे शासन के लिए लालायित है जहां सरकार का हर विभाग ईमानदारी से अपना काम करे, अपना दायित्व निभाए, भेदभाव से मुक्त, सद्भाव से युक्त ऐसी व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल वोट दे रहा है। बंगाल के लोग काम के अवसर चाहते हैं, श्रम की गरिमा चाहते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर। बंगाल के लोग ईज ऑफ लिविंग चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहते हैं, और बंगाल की ऐसी हर इच्छा पूरी करने का बीजेपी ने संकल्प लिया है। साथियों, ये समय बंगाल को एक नई ऊर्जा के साथ 21वीं सदी के तीसरे दशक में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का है। मालदा, मुर्शिदाबाद से लेकर वीरभूम और कोलकाता तक हर कोई ये चाहता है कि पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव लौट आए। हर कोई ये चाहता है कि जिस पश्चिम बंगाल में लोग सपने सच करने आते थे, वो पश्चिम बंगाल 21वीं सदी के अवतार के साथ हमें दोबारा मिल जाए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखे पड़े छोड़ेगी। बीजेपी बांग्लार, बीजेपी बांग्लार जुवादेर के देवे चाकरी, बीजेपी बांग्लार मां बोने देर के देवे सुरक्षा, बीजेपी बांग्लार जोनो गोनो के देवे भ्रष्टाचार मुक्तो शासन, बीजेपी बांग्लार जोनो गान के देवे गुंडामी मुक्त बंगाल, बीजेपी बांग्लार चाशी देर के देवे समृद्धि। भाई और बहनों, लोकतंत्र
हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र के बिना सामान्य जन की भावनाओं को सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है। देश के अन्य राज्यों की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र का गौरव हमारा पंचायत सिस्टम रहा है। गांव में पंचायतों को और शहरों में नगर निगमों और नगर पालिकाओं को उनकी लोकतांत्रिक शक्ति फिर से एक बार वापस लौटाना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये संस्थान विकास और विश्वास के सबसे पहले माध्यम होते हैं। संकट की स्थिति में जनता सबसे पहले इन्हीं संस्थानों तक पहुंच पाती है, इसलिए इस सिस्टम पर फिर से भरोसा जगाना बहुत जरूरी है। पक्ष और विपक्ष की डिबेट और डिस्कशन की समृद्ध परंपरा पश्चिम बंगाल में और फले फूले, ये सुनिश्चित करना बीजेपी सरकार की प्रतिबद्धता रहेगी। साथियों, समाज में सकारात्मकता और सद्भाव विकास का प्रमुख रास्ता है। इसके लिए कानून का राज हो, समय पर सभी की सुनवाई हो, यह बहुत जरूरी है। कानून सुनेगा, कानून निष्पक्ष भाव से काम करेगा तो जीवन भी आसान होगा और व्यापार कारोबार भी आसान होगा। घुसपैठ, तस्करी, अवैध कारोबार, हिंसा, तोलाबाजी, सिंडिकेट, ये विकास के घोर दुश्मन है। भारत में निवेश करने के लिए दुनिया संभावनाएं तलाश कर रही है। लगातार रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में लगे यहां हर प्रकार के शिल्प को, हर प्रकार के रोजगार को बल मिले, इसके लिए बीजेपी सरकार भरपूर प्रयास करेगी। भाइयों और बहनों, बेहतर स्वास्थ्य के बिना विकास अधूरा है और शुद्ध पानी के बिना बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। शुद्ध पीने का पानी हर घर पाइप से जल तेजी से पहुंचाना भी बीजेपी की प्राथमिकता है। बंगाल के हर घर को पाइप में शुद्ध जल मिलेगा तो माताओं बहनों की तकलीफ तो कम होगी ही, आने वाली पीढ़ियां अनेक गंभीर बीमारियों से मुक्त होगी। इससे गरीब का स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी बचेगा। साथियों, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च गरीब की कमर तोड़ देता है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की मदद गरीब के काम आने वाली है। केंद्र सरकार हर 3 लोकसभा क्षेत्रों इनके बीच कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर बल दे रही है। बंगाल के कई क्षेत्रों में डेंगू ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जल भराव और स्वच्छता के अभाव के कारण ये संकट हर साल परेशान करता है। बीजेपी सरकार डेंगू जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए गंभीर कदम उठाएगी।
भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और शिल्प, इन दोनों पर फोकस करके ही सोनार बांग्ला का निर्माण संभव है। पश्चिम बंगाल के गांव गांव में शिक्षकों की जो समृद्ध परिपाटी है, जो शिक्षकों की सकारात्मक भूमिका है, उसको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने शिक्षा और शिल्प को लेकर विश्व भारती में जो प्रयोग किया था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको विस्तार देती है। स्कूल के समय से ही विद्यार्थी को शिल्प से जोड़ा जाए, विद्यार्थी को उसकी सुविधा के हिसाब से शिक्षा मिले, जिस भाषा को वो समझता है उसमें ही उसको शिक्षा मिले, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में है। गरीब का, आदिवासी का, दलित, वंचित, शोषित का बच्चा भी उसकी अपनी भाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर पाए, इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहां तेजी से लागू किया जाएगा। भाइयों और बहनों, बंगाल के पास आम, लीची, प्याज, आलू, रेशम, जूट, ऐसे अनेक प्रकार की पूंजी है। कृषक को उसकी उपज की पूरी कीमत सीधी बैंक खाते में मिले, ये बीजेपी सरकार सुनिश्चित करने वाली है। रेशम और जूट उद्योग आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत मजबूत पहलू है, इसको प्रोत्साहित करना हमारी प्रतिबद्धता है। इसी प्रकार फल सब्जियों की वेस्टेज को रोकने के लिए भी किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। किसान रेल के माध्यम से फल सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज की एक बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। कोल्ड स्टोरेज हो, कृषि आधारित शिल्प हो, या फिर नदियों में डैम बनाकर सिंचाई की सुविधाओं का निर्माण हो, इनके लिए बीजेपी सरकार तेजी से काम करने वाली है। यहां अधिक से अधिक कृषि आधारित शिल्प लगे, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही व्यापक प्रयास शुरू कर दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पिछले 18,000 रुपये बंगाल के हर किसान को मिले, इसके लिए सरकार बनते ही काम शुरू किया जाएगा। साथियों, बंगाल के अनेक क्षेत्रों में मत्स्य पालन को और ब्लू इकोनॉमी को और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। मत्स्य पालकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पूरा लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत मछली के चारे से लेकर दवा और फिर बाजार पहुंचाने तक एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार मदद दे रही है। बीजेपी सरकार का प्रयास है कि मछली की प्रोसेसिंग के जुड़े शिल्प पश्चिम बंगाल में लगे, ताकि मछली के कारोबार में ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित हो। भाइयों और बहनों, मालदा, मुर्शिदाबाद हो,
वीरभूम हो या फिर कोलकाता, हर जिले की हर शहर की अपनी ताकत है। यही ताकत सोनार बांग्ला की प्रेरणा बनेगी। गुरुदेव ने विश्व भारती के लिए जो मंत्र दिया वो है यत्र विश्वम भवत्के भवते निडम, यानी सारा विश्व एक घोंसला है, एक घर है। इसी भाव के साथ सबको अंगीकार करते हुए बंगाल, वीरभूम, कोलकाता ऐसे शहर हर सपने को सच करता आया है। कोलकाता देश के उन शुरुआती शहरों में था जहां बिजली आई, जब देश के दूसरे शहरों में तांगे चलते थे यहां ट्राम चलती थी, जब दूसरे शहरों में ऑटो नहीं था तब यहां टैक्सी चलती थी, जब दूसरे शहरों में बसें चलने लगी तब यहां मेट्रो ट्रेन की तैयारी चल रही थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोलकाता और पश्चिम बंगाल की इसी लीडरशिप को नए दशक में हम सशक्त करेंगे। अभी कोलकाता मेट्रो के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। बीजेपी सरकार बनने के बाद ये काम और तेज गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल के दूसरे शहर, प्रदूषण से मुक्ति बहुत जरूरी है। सीएनजी आधारित ट्रैफिक, रसोई में पाइप से सस्ती गैस, ऐसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऐसे तमाम कदमों से प्रदूषण में जरूरी कमी आएगी। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना, नदी किनारे घाटों का सुंदरीकरण करना, ये शहर के जीवन को बेहतर बनाएगा। कोलकाता की तो पहचान सिटी ऑफ जॉय के रूप में रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इसको सिटी ऑफ फ्यूचर के रूप में विकसित किया जाएगा। साथियों, पश्चिम बंगाल फिर से आत्मनिर्भर भारत का, भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट का अहम सेंटर बने, इसके लिए यहां आशोल परिवर्तन चाहिए। यहां हल्दिया से लेकर बनारस तक एक महत्वपूर्ण इनलैंड वॉटरवे पर तेजी से काम चल रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के आधुनिकीकरण पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। बीते सालों में जो काम यहां किया गया है उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, और भारत सरकार के नाते मुझे संतोष है कि हम कई अवरोधों के बावजूद भी इन कामों को कर पाए, आगे बढ़ा पाए। ऐसे ही अनेक पोर्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बीजेपी की सरकार तेज गति से ट्रांसफॉर्म करेगी। साथियों, गांव हो या शहर, अपना पक्का घर हर परिवार का सपना होता है। बीजेपी सरकार हर गरीब के, मध्यम वर्ग के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटी है। बीते वर्षों में 2 करोड़ से अधिक घर हमारी सरकार द्वारा गरीबों के लिए देश भर में बनवाए गए हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद
गरीबों के लिए घर निर्माण की गति को बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा। घर पर पक्की छत हो इसके लिए हमारे प्रयास और बढ़ेंगे और डबल इंजन की सरकार ये काम बहुत आसानी से कर लेगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। एक तरफ मिडिल क्लास के लिए होम लोन पर लाखों रुपए की छूट दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शहरी गरीबों को पक्का घर दिया जा रहा है। गांव से शहर काम के लिए आए श्रमिक साथियों को भी किराए पर सस्ता और अच्छा आवास मिले इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही योजना बना चुकी है। इसी तरह केंद्र सरकार का रेरा कानून जो देश के मध्यम वर्ग के सपनों को मजबूती देता है, सुरक्षा देता है, उन्हें घर खरीदने पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाता है, उसे भी बंगाल की बीजेपी सरकार जल्द लागू करेगी। भाइयों और बहनों, बहनों और बेटियों की सक्रिय भागीदारी के बिना विकास अधूरा है। बीजेपी सरकार की यह कोशिश है कि बेटियों के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक उनको हर वो सुविधा और प्रोत्साहन मिले जिससे वो बेहतर समाज का निर्माण कर सके। पश्चिम बंगाल तो नारी शक्ति की एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्थल रही है, एक तो प्रकार से पूजनीय स्थल रहा है। बेहतर गर्ल्स कॉलेज हो, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े बेहतरीन संस्थान वहां हो, इसके लिए बीजेपी सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। बेटियों के खिलाफ संगीन अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो इसके लिए पश्चिम बंगाल में दर्जनों फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए भाजपा सरकार आते ही तुरंत काम शुरू कर देगी। नारी शक्ति के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को सशक्त करने के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में विस्तार से हमने चर्चा की है। सरकार बनते ही पहले दिन से इस संकल्प पत्र के हर बिंदु पर पूरी गंभीरता से काम शुरू किया जाएगा। सोनार बांग्ला का निर्माण हम सभी के प्रयासों से होगा, सबको साथ लेकर होगा। साथियों, बंगाल में चार दशक के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता उत्साह उमंग के साथ आज निकल पड़ी है, आगे आ रही है। उसे मुक्त मन से अपने अधिकार का प्रयोग करके अपनी पसंदगी की सरकार चुनने का स्वतंत्र रूप से अवसर मिला है। अब बंगाल चुनाव में मतदान के दो फेज बचे हैं, दो चरण बचे हैं और एक तरह से चुनाव की दृष्टि से एक प्रकार से मेरी ये आज तो मैं रूबरू आकर के अपनी आखिरी रैली करके आपका धन्यवाद करता, लेकिन वर्चुअली भी एक प्रकार से मेरी ये आखिरी रैली इस चुनाव की है। अब तक बंगाल की जनता ने बहुत उत्तम मतदान किया है, पूरे देश को प्रेरणा दें इतना भारी मतदान किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आगे भी आप ऐसा ही करिएगा और भले ही दो चरण की दो, अभी दो चरण बाकी हो, लेकिन
आपको एक ही बार निकलना है मतदान के लिए, मतदान के लिए जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं उनका पालन हो ये सुनिश्चित करते हुए ही आप मतदान करिएगा। साथियों, अंत में एक बार फिर मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कोरोना से बचाव के हर उपाय पर गंभीरता से आप उसका पालन करते रहें। अस्पतालों पर जो दबाव है उसको हमें अपनी सावधानी से कम करना है। वैज्ञानिक और मेडिकल सलाह के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना है। एकजुट होकर कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। टीके के दौरान भी, टीके के बाद भी मास्क जरूरी है, पूरे चेहरे को मास्क से ढकना जरूरी है, दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को हमें याद रखना है। हम सबकी एकजुटता से ही हर लक्ष्य प्राप्त होगा। बंगाल जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, हम सब मिलकर जीतेंगे। बंगाल बढ़ेगा, बंगाल बहुत आगे बढ़ेगा, सोनार बांग्ला बनेगा। मैं अपनी बात यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के लिए रवि ठाकुर ने जो गीत लिखा था उसी से समाप्त कर रहा हूं। शुभो शुभो कौर्म पोथे, शुभो कौर्म पोथे धोरो निर्भयो गान, शोक दुर्बल संचय हो अवसान, अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़िए। आपकी सभी रुकावटें और शंकाएं समाप्त हो, इसी संकल्प के साथ आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। आपके आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। 2 मई बंगाल के जीवन में सोनार बांग्ला की तरफ एक बहुत मजबूत कदम आप लोग बढ़ाने वाले हैं, और जैसा मैंने पहले वादा किया था, नई सरकार बीजेपी की बनने वाली है और बीजेपी की सरकार के शपथ समारोह में मैं रूबरू आकर के आप सबको सर झुका करके नमन करने वाला हूं, आपका धन्यवाद करने वाला हूं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Mental accounting bias, or the tendency to mentally categorize money and accordingly save or spend it. What it means, valuing the same amount of money differently depending on where it came from. What it results in, suboptimal decisions often leading to negative outcomes. Example, if you got a bonus at work over and above your salary, what would you do with it? Would you spend it on a vacation or an expensive gadget since it is an unexpected gain? Or would you rather pay off a loan or start a new investment? If your answer was the former, that's mental accounting bias at play, as you would likely not have spent it on a vacation or gadget had it come in the form of salary. Mental accounting bias can affect investing decisions too. For instance, people tend to categorize their money into a safe portfolio and a very risky portfolio. Why? They think that the assured growth from the safe portfolio can be used to offset the possible losses that might result from the high-risk investments.
However, by doing so, they eventually end up making little to no gains in the overall portfolio. Instead, they should focus on their goals and the right asset allocation that would help them achieve those goals on time. Let biases not get in the way of your wealth creation. Scriptbox, the wealth management you need. Once upon a time, the mills used to be an unmissable part of Mumbai's landscape. Centers of industrial activity, humming with people and bubbles. Look at today, and those sites are still centers of activity, but of a different kind. Malls, cafes, theaters and towers. Laugh and steam, glowing in the night. Still humming with people. And still rising. I'm Makran Narkar. And I'm Sonu Vastave. We are illustrators and visual artists. And this is our tribute to Mumbai, always on the rise.